ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. थैंक सर. एनीवन हैव एनी आईडिया अबाउट द लास्ट लेक्चर? व्हाट वी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर? एनीबॉडी? आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर. ओके, मींस वी हैव यस वी हैव कंप्लीटेड द फंडामेंटल्स डेफिनेशंस ऑफ द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर in last to last lecture, and in last lecture we have started the examples how to find the eigenvalues and eigenvectors of a given matrix. Okay, so we already done some examples for that, so we continue with that examples, okay, in today's session. So I think last example is this one. Okay, ओके, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया था. ओके, लैम्डा इज इक्वल टू 6 एंड माइनस 1 के लिए हमने कर दिया था. यस और नो? यस सर. ओके, सो वी गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल्स. यस, दिस वन कंप्लीट. मैंने ये आपको होमवर्क में दिया था, तो हैव यू ट्राइड फॉर दैट? यस सर. यस सर. ओके, चलो. यस सर. तो यहाँ पे हम मैं सॉल्व कर रहा हूँ. ओके, तो आप वेरीफाई करते जाना. तो यहाँ पे स्टेट एग्जांपल फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ कौन सा मैट्रिक्स था? एनीबडी, कोई लिखवाएगा मुझे? सर, -2, -4, -2, -5, -3, -5, -3, -2, -4, -1. ओके, लेट मी चेक. -5, -3, -2, -2, -4, -1. यस, राइट. ओके, सो फर्स्ट व्हाट वी डू, व्हाट इज योर स्टेप नंबर 0? सर, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. नो, उससे पहले हम क्या करेंगे? पहले उसको नेम देंगे. ओके, सो लेट ए इज इक्वल टू, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस, 4, -2, -5, -3, -2, -2, -4, -1. Yes or no, everybody? Yes, sir. Okay. Yes, next, yes, sir. Then we go for the characteristic equation. So the characteristic equation is, and what is your characteristic equation? Determinant of A minus lambda I equal to 0. Okay. अब ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लामड़ा इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा? लामड़ा क्यूब माइनस एस वन लामड़ा स्क्वायर प्लस एस टू लामड़ा माइनस एस थ्री इक्वल टू 0. ओके, यही था ना हमारा इक्वेशन? यस, वेयर एस वन इज द ट्रेस ऑफ ए. तो व्हाट इज अवर ट्रेस ऑफ ए? एनीबडी? 8. 8. Okay, so 4 plus 3 plus 1, it gives you 8. S2, that means sum of the minor of the principal diagonals. So, पहले हम minors find करेंगे, and उसके बाद उसका addition करेंगे, that means 3, 2, 4, 1, 4 का minor है, 3 का minor होगा 4, minus 2, minus 2, 1, and यहाँ पे 1 का minor है 4, 2, minus 5, 3. Okay, everybody? Yes, sir. Okay. यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो. सो 3 -8 + 4 -4 + 12 -10. ओके, चलो बताओ आंसर. प्लस 10, सॉरी सॉरी 17, सर. यस, वेरी गुड. एस थ्री, एस थ्री इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. चलो फाइंड आउट करो डिटर्मिनेंट ऑफ ए. 10. Okay, everybody got it? 10? Yes, sir. Yes, okay. Yes, sir. So, our equation is lambda cube minus S1. S1 means 8 lambda square plus S2 means 17 lambda minus 10 equal to 0.
Okay, now find out the one root for this. Lambda equals to 1. सबको मिल गया lambda is equal to 1. Yes sir. Okay, so 1 minus 8, यहाँ पे 17, यहाँ पे minus 10. Okay, 0 से start करूँगा, 0 लेके आएंगे. So 1 plus 0, 1. So 1 into 1, 1. Minus 8 plus 1, minus 7. Minus 7 into 1, minus 7. So 17 minus 7, 10. 10 into 1, 10. So 10 minus 10, 0. Okay. So therefore, how we can write it? Lambda minus 1, lambda square minus 7 lambda plus 10 equal to 0. अब इसको फैक्टराइजेशन करो. चलो इसका लैम्ब्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्ब्डा प्लस 10 का क्या होगा सर? 5 और 2 माइनस 5 2. वेरी गुड, 5 एंड 2. ओके, सो यहां पे लैम्ब्डा की वैल्यू मिलेगी 1 2 एंड 5. 2 एंड 5, यस. सो व्हिच आर रिक्वायर आइगन वैल्यूज ऑफ ए. ओके, अब ये तो आइगन वैल्यूज तो हो गए. चलो अब आइगन वेक्टर के लिए क्या करेंगे? फॉर आइगन वेक्टर एनीबॉडी रिमेंबर क्या करेंगे? भूल गए. ए माइनस आई लैम्ब्डा आई. यस, ए माइनस लैम्ब्डा आई, एक ब्रैकेट करेंगे एक्स एंड जीरो. तो इसको अच्छी तरीके से लिखेंगे तो मेरा ए माइनस लैम्ब्डा क्या होगा, मैं एक्स क्या लूंगा एंड जीरो मैट्रिक्स क्या होगा. ओके, सो जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे एक्स वाई जेड, ओके, बिकॉज थ्री क्रॉस थ्री है इसलिए. सो ए माइनस लैम्ब्डा क्या होगा मेरा? फोर माइनस लैम्ब्डा. वेरी गुड. टू माइनस फाइव, थ्री माइनस लैम्ब्डा टू, माइनस टू फोर, वन माइनस लैम्ब्डा. वेरी गुड. ओके, सो वन माइनस लैम्ब्डा, और इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन स्टार्ट. ओके, अब नाउ I want to find the eigen vector for first value. What is it? First value क्या है हमारी? 1. Lambda equals, lambda equals to 1. Lambda is equal to 1. Okay. तो यहाँ पे देखते हैं. चलो lambda is equal to 1 के लिए कर देते हैं. थोड़ा इधर उधर लाइन हो रहा है. Okay. क्योंकि राइटिंग पेड़ है ना, इसलिए थोड़ा स्लिप हो जाता है. तो यहाँ पर देखो. चलो lambda is equal to, so from equation star एंड लैम्ब्डा इज इक्वल टू 1. ओके, सो लैम्ब्डा इज इक्वल टू 1 के लिए द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज क्या होगा? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स चलो बताओ. तो 2 माइनस 4 माइनस 1 दैट मींस 3, 2 माइनस 2 माइनस 5 2 2. ओके, एंड यहाँ पे माइनस टू फोर जीरो जीरो. ओके, जीरो 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 जीरो. वेरी गुड. ओके, अब मुझे क्या करना है? तो सीधा मैं इसको जीरो बना दूँ तो चलेगा कि नहीं? यस और नो? है ना, आर टू में एंड आर थ्री में जो माइनस फाइव एंड माइनस टू है उसको सीधा जीरो बनाऊँ तो चलेगा कि नहीं सिस्टम ऑफ इक्वेशन में? यस, इट इज़ वैलिड. ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट मीन्स आर टू टेंस टू आर टू. अब इसको जीरो बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस फाइव करना पड़ेगा, डिवाइड बाई थ्री करना पड़ेगा, तब जाके थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस फाइव प्लस फाइव हो जाएगा, आर वन करना पड़ेगा. अंडरस्टैंड एवरीबडी? यस. ओके, यहाँ पे आर थ्री टेंस टू आर थ्री प्लस टू बाई थ्री आर वन करना पड़ेगा. सो इज देयर एनी डाउट इन दिस रो ऑपरेशन एनीबडी? नो डाउट. ओके, अब ये थोड़ा हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट मैट्रिक्स. ओके, सो नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या होगा बताओ? चलो, सो यहाँ पे थ्री टू माइनस टू एज इट इज, यहाँ पे जीरो भी एज इट इज. ओके, अब देखो मैं यहाँ पे इन चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कैसे फाइंड करेंगे ये एंट्री को. वेरीफाई करेंगे तो आर टू की जगह पे आर टू की एंट्री रखेंगे एंड आर वन की जगह पे आर वन की. तो माइनस फाइव प्लस फाइव बाई थ्री एंड यहाँ पे थ्री. सो थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, माइनस फाइव प्लस फाइव हो जाएगा तो ज़ीरो. तो ये मेरा ज़ीरो हो गया. चलो
यहाँ पे 2 प्लस 5 बाई 3 इंटू 2, इसको सॉल्व करो तो कितना आता है बताओ। चलो 16 बाई 3, वेरी गुड 16 बाई 3। सेम यहाँ पे 2 प्लस 5 बाई 3 माइनस 2, इसका आंसर क्या आएगा? क्या आया बताओ जल्दी। माइनस 4 बाई 3। यस वेरी गुड, माइनस 4 बाई 3 वेरीफाई करना है, इसे सीधा मत लिख देना। चलो अब इसके लिए करेंगे तो आर 3 प्लस 2 बाई 3 आर 1 है, तो आर 3 की जगह पे माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 बाई 3 3 0, ओके तो फर्स्ट 0 हो गया। अब यहाँ पे 4 है तो 4 प्लस 2 बाई 3 इंटू 2 तो 16 बाई 3 होगा, वो चेक कर लो वेरीफाई कर लो, ये भी माइनस 4 बाई 3 भी मिलेगा और ये 0 मिलेगा, वेरीफाई करो। चलो वेरीफाइड, यस सर, है ना, मिल गया सबको यही का यही? यस सर, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट मेरा जो प्रोसीजर है वो मेरा है, यहाँ थोड़ा इसको रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट मेरा ऑपरेशन आएगा आर थ्री वाली एंट्री को जीरो बनाना, तो वो तो सिंपल है, कैसे बनाएंगे एनीबडी, हाउ वी कैन मेक इट जीरो? तो यहाँ पे आप जीरो बनाएंगे तो ये जीरो हो गया, तो 3 2 माइनस 2 0, 16 बाई 3 माइनस 4 बाई 3 0, ओके यहाँ पे 0 0 0 0, ओके तो यहाँ पे इक्वेशन दो मिलेंगे, कौन कौन से इक्वेशन मिलेंगे? सो वी हैव, सॉरी वी हैव क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, यस और नो? यस सर, ओके। और दूसरा 16 बाय 3y माइनस 4 बाय 3z इज इक्वल टू 0, यस और नो? यस सर, ओके। अब मेरे पास दो इक्वेशन है एंड थ्री वेरिएबल है, तो मुझे एक को सपोज करना पड़ेगा, है ना, सो लेट z इज इक्वल टू k1, ओके एंड k1 बिलोंग्स टू r माइनस 0, मैं ले सकता हूँ कि नहीं? यस सर, तो यहाँ पे मैं ये इक्वेशन को अच्छी तरीके से लिखना चाहूँ तो ये इक्वेशन क्या है मेरा, 4 बाई 3 को कॉमन निकाल के 0 के साथ ले लूँ तो ये मेरा इक्वेशन बनेगा 4y इज इक्वल टू z, यस और नो? यस सर, तो y इज इक्वल टू k1 बाय 4 मुझे मिल गया, y की वैल्यू मिल गई। चलो अब x के लिए फर्स्ट इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, सो यहाँ पे 3x प्लस 2k1 बाय 4 माइनस 2k1 इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 3x ये देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 2 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 4 हो जाएगा, ओके तो यहाँ पे 3x माइनस 3k1 बाय 2 इक्वल टू 0, यस और नो एवरीबडी? यस सर, ओके सो x इज इक्वल टू k1 बाय 2 मिलेगा, सो आई हैव x y एंड z तीनों ही तीनों हैं तो मेरा एक आइगन वेक्टर मुझे मिल गया, सो द रिक्वायर आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्ब्डा इज इक्वल टू 1 इज क्या होगा, देखो एक्स वाई जेड, एक्स की जगह पे क्या वैल्यू है के वन बाई टू, यहाँ पे वाई की जगह पे के वन बाई फोर एंड जेड की जगह पे के वन आउटसाइड, सो के वन बाहर ले लिया, सो 1 बाई 2 1 बाई 4 एंड 1, सो इज देर एनी डाउट अप टू हियर एनीबडी? सर यस यस बेटा, सर मेरा आंसर के वन इंटू 2 1 4 आ रहा है सर,
2 1 4 सही है, क्योंकि तूने क्या किया कि यहाँ पे जो 2 है ना, यहाँ पे 1/4, वो यहाँ पे तू मल्टीप्लाई करेगा तो वही का वही आया ना 1 1 4। ओके सर, ओके सही आंसर, तूने के वन के साथ 1/4 ले लिया इसलिए तेरा आंसर ये आ रहा है। ओके सही है, ओके कोई सर। प्रॉब्लम नहीं। ओके इज देयर एनी अदर डाउट स्टूडेंट, एनीबडी? चलो हाउ मेनी नो डाउट सर। ओके ओके हाउ मेनी स्टूडेंट अंडरस्टैंड अप टू हियर, प्लीज रेज योर हैंड। सेकंड वैल्यू है लामड़ा इज इक्वल टू 2। चलो कितने लोगों ने हैंड रेज किया देखते हैं, 28, ओके 29, 31, बस इतने ही लोगों को पता चला, बाकी के लोगों क्या कर रहे हैं, क्या डाउट है बेटा, एनीबडी, एनीवन हैव एनी डाउट? प्लीज इफ यू हैव डाउट देन प्लीज डिस्कस विद मी। यस 35, वेरी गुड, ओके 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 नो प्रॉब्लम। ओके चल सो नेक्स्ट अगेन वही से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। सो द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज क्या हो जाएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखो तो यहाँ पे 2 2 -2 -5, यस 1 2 5 1 2, यस -2 4 -1 -1, ओके और यहाँ पे 0 0 0। चलो अगेन वही का वही प्रोसीजर, मीन्स मुझे R2 एंड R3 एंट्री को 0 बनाना है, दैट मीन्स R2 टेंस टू R2 प्लस 5/2 R1 एंड R3 टेंस टू R3 प्लस R1। ये सुनो सीधा हो जाएगा ना वो तो, यस और नो स्टूडेंट? यस सर। सभी को पता चल रहा है कि नहीं, गिव योर कंफर्मेशन एवरीबॉडी। यस सर। ओके ओके सो यहाँ पे -5 + 5 होके 0 हो जाएगा। चलो लेट वी चेक फॉर सेकंड एंट्री, कुछ सेकंड एंट्री के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री 1 है प्लस 5/2 और यहाँ पे 2 है, तो 2 2 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 6। ओके यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 5/2 एंड -2, सो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 -5 हो जाएगा, सो मुझे 3 मिलेगा और यहाँ पे 0। इज इट ओके? जल्दी कंफर्मेशन दो। ओके यस सर। ओके अब -2 + 2 0 4 + 2 6, -1 - 2, ये -3 आया। यस सर, -3 आएगा ऊपर, -3 आएगा, यस 0, क्योंकि यहाँ पे 2 -5 था इसलिए -3 आएगा। ओके तो 6 - 3 0। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करेंगे सर, लास्ट स्लाइड लास्ट को 0 कर देंगे, ऐड कर देंगे, नहीं सबट्रैक्ट हो जाएगा, R3 - R2। R3 - R2, वेरी गुड। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट मीन्स R3 टेंस टू R3 - R2। तो इफ यू डू दिस देन वी हैव 2 2 - 2 0 0 6 - 6 0, -3 प्लस, ओ सॉरी 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 इसमें नो चेंज, R3 में करना है। सो 6 - 3 = 0, 0 6 - 6 0 - 3 + 3 0 और ये भी 0। ओके तो वी हैव अगेन इक्वेशंस, सो वी हैव 2x + 2y - 2z = 0, यहाँ पे 6y - 3z = 0। ओके तो इसको मैं अच्छी तरीके से लिखूँ दोनों इक्वेशन को, तो मेरे पास होंगे x + y - z = 0 एंड सेकंड इक्वेशन मेरा होगा 2y = z। यस और नो? यस सर। ओके नाउ, हाँ नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट टास्क, व्हाट इज इट?
क्या है किसी एक को सपोज करना, कंसीडर z टू इट, यस y को भी ले सकते हो z को भी ले सकते हो, लेकिन हम प्रैक्टिस रखेंगे कि थर्ड को लेंगे, ओके। सो z इज इक्वल टू k2, z इज इक्वल टू k2मिलने से मेरा y भी मिल गया, सो so y इज इक्वल टू k2 बाय 2, यस और नो? यस सर। एंड यहाँ पे x प्लस k2 बाय 2 माइनस k2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, चलो बताओ। k बाय 2, k2 बाय 2, k2 बाय 2, ओके। सो x भी मिल गया, y भी मिल गया, z भी मिल गया, सो द रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लामड़ा इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू के लिए किया, लामड़ा की 2 के लिए है ना। तो आप इसे भी एरो भी कर सकते हो, ओके। तो यहाँ से आपको पता चला कि मेरा फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ, सेकंड पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ, ओके। सो लामड़ा इज इक्वल टू 2 इज एक्स वाई जेड, ओके, एक्स वाई जेड। व्हाट इज माय एक्स फॉर लामड़ा इज इक्वल टू 2? इट इज के 2 बाई 2, यस। वाई इज ऑल्सो के 2 बाई 2 एंड जेड इज के 2, यस। इफ यू कॉमन के 2 देन यू हैव 1 बाई 2, 1 बाई 2 एंड 1। Is there any doubt? Anybody? No doubt. No, sir. No, sir. Okay. Now we go for the third case. And what is it from equation? Lambda equal to 5. Yes. And lambda is equal to 5. Okay. Chal. The augmented matrix kya hoga uska? Dekhte hai. The augmented minus 1, 2, minus 2. Matrix. Is, okay, देख लेते हैं एक बार वन टाइम, ओके। 4 माइनस 5 होगा यहाँ पे 3 माइनस 5 होगा एंड यहाँ पे 1 माइनस 5 होगा, ओके। तो ऊपर आएगा माइनस 2, सॉरी माइनस 1, 2 माइनस 2, ओके। फर्स्ट रो होगा माइनस 2, यस, माइनस 1, 2, माइनस 2, देन माइनस 5, माइनस 2, 2, माइनस 5, माइनस माइनस 2, 2, 2, 2, ओके। एंड थर्ड माइनस 2, माइनस 4, माइनस 4, नहीं सर, पहले 4 आएगा फिर माइनस 4, हाँ, लास्ट में माइनस 4, हाँ, ये 4 आएगा एंड लास्ट में माइनस 4, ओके। चलो कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे यहाँ पे, आर टू टाइम्स टू आर टू प्लस 5R1, या दूसरा कुछ करना पड़ेगा, एनीबॉडी? सर माइनस 5R1, सर R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 2R1, इज इक्वल टू नहीं है बेटा, ओके। R3 टेंड्स टू R3 प्लस माइनस 2R1, ओके, वेरी गुड, ओके। चलो रो ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे 0 0 0, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट में नो चेंज है, सो माइनस 1, 2, माइनस 2। अब यहाँ पे माइनस 5 प्लस 5 0, माइनस 2 माइनस 10 तो माइनस 12 हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 माइनस माइनस 12 प्लस 12 प्लस 10 दैट मीन्स प्लस 12, देन यहाँ पे माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 0, 4 माइनस 4 0, माइनस 4 0 प्लस 4 0, ओके, यहाँ पे सीधा 0 बन गया, वेरी गुड, ओके। तो अब यहाँ से इक्वेशन क्या बनेंगे, सो वी हैव माइनस एक्स प्लस टू वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू 0, माइनस 12 वाई प्लस 12 जेड इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस टू वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, वाई इज इक्वल टू जेड, यस और नो? यस सर। ओके, अब यहाँ पे मैं किसी एक को कंसीडर करूँगा, सो कंसीडर जेड इज इक्वल टू के थ्री एंड के थ्री बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, चलो सेकंड में वो लिखना भूल गए ना, के थ्री के टू बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, डोंट फॉरगेट टू राइट इट, ओके।
आर माइनस ज़ीरो, ओके। तो यहाँ पे के थ्री हो गया, ओके। अब देर फॉर वाई इज इक्वल टू के थ्री अगेन एंड माइनस एक्स प्लस टू के थ्री माइनस टू के थ्री इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स क्या हो जाएगा, एनीबडी? ज़ीरो। ज़ीरो, वेरी गुड। सो एक्स मेरे पास है, वाई भी मेरे पास है, एंड जेड तो मैंने ऑलरेडी सपोज किया है। सो द रिक्वायर आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्ब्डा इज इक्वल टू फाइव इज एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे x मीन्स ज़ीरो है, y मीन्स के थ्री है, z मीन्स के थ्री है, ओके। सो इफ यू टेक के थ्री आउटसाइड, सो वी हैव ज़ीरो वन वन। सो इज देर एनी डाउट एनी क्वेश्चन इन दिस एग्जाम्पल, एनीबडी? नो सर, नो डाउट। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट, प्लीज कन्फर्म योर। सर नो डाउट, इक्वेशन कई रीते फाइंड कराए? हाँ, वो नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको समझा रहा हूँ, ओके? डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन इज देयर एनी क्वेश्चन एनी प्रॉब्लम इन दिस एग्जांपल, एनीबडी? नो सर। ओके, चलो तो फिर मैं आपको एग्जांपल नंबर फाइव होमवर्क में दे रहा हूँ, इज इट ओके? कर पाएंगे? यस सर। ओके, सॉरी एग्जांपल फाइव तो कर दिया, सिक्स सिक्स सिक्स, सॉरी ये तो कर दिया हमने, फाइव तो कर दिया, हाँ फाइव हो गया है हमारा, सिक्स में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, कर पाएंगे ना आप? सर उस एग्जांपल के स्क्रीनशॉट लेने दो ना एक बार। हाँ हाँ, ले लो ले लो। किसके? मैंने जो मेरा राइटिंग पार्ट है उसका। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, देख लो। चलो ये मैं आपको वन बाय वन, यस टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट नंबर वन, ओके ले लिया? यस सर। यस सर। ओके, ये नंबर टू का भी ले लो। हाँ नंबर टू, लास्ट वन नंबर थ्री, ओके। और ये जो स्टेटमेंट है उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके आपके चैट बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सा एग्जांपल होमवर्क में किया है, ओके। चलो दो एक साथ ही दे रहा हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ वन मिनट, ओके, क्योंकि दो आपको मैं होमवर्क देने वाला हूँ आज। ये एग्जांपल नंबर एट भी होमवर्क में है, लेकिन वो कैसे करना है वो सेवन में आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये सिक्स एंड एट दोनों में आपको होमवर्क में देने वाला हूँ आज। तो कहा गया, यस हाँ, नाउ डन, ओके, मिल गया सबको? ओके, फील टू सेंड सर, नहीं फील टू सेंड आया, नाउ इज इट ओके? यस यस, नाउ इट्स ओके। ओह, नाउ वी गो फॉर द एग्जांपल नंबर सेवन, ओके। उसमें देखो थोड़ा ट्विस्ट है, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रिपीटेड आइगन वैल्यूज होंगे, मीन्स यहाँ पे जैसे हमारे पास वन टू फाइव था ना, उसकी जगह पे वहाँ पे क्या होंगे, दो रूट्स रिपीट होंगे। तो हाउ टू डील विद दैट, तो ये एग्जांपल हम करेंगे। सो प्लीज़ ये जो है स्टेटमेंट एक बार देख लो, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ 1 माइनस 6 माइनस 4 0 4 2 0 माइनस 6 माइनस 3, ओके। मुझे लिखवाना पड़ेगा आपको, वन मिनट, यस। नेक्स्ट एग्जांपल सेवन, ओके। सो फाइंड आइगन वैल्यूज and eigenvectors of कौन सा matrix था, कोई लिखवाएगा? सर 1 माइनस 6 माइनस 4,
वन माइनस सिक्स माइनस फोर जीरो फोर टू जीरो फोर टू जीरो माइनस सिक्स माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री ओके सो एक बार देख लेता हूँ मैं यस वेरी गुड ओके थैंक यू हाँ अब स्टेप नंबर वन कौन सा है हमारा करना तो वही है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जो करते थे वही क्या करेंगे सबसे पहले A equals to matrix. Yes. 1 minus 6 minus 4 0 4 2 0 minus 6 minus 3 okay so this is my A now next step the characteristic equation is the determinant of A minus lambda I equal to 0 So therefore, lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus s3 equal to 0, where? Chalo, s1 batao, kya hoga mera s1 for this matrix? 2. Good. S2 kya hoga? Minor pehle likhenge. Okay, uske baad uska answer likhenge. यहाँ पे 4 2 माइनस 6 माइनस 3 यहाँ पे इसका माइनर होगा 1 माइनस 4 0 माइनस 3 एंड माइनस 3 का माइनर होगा 1 माइनस 6 0 4 ओके गिव मी आंसर चलो आंसर बताओ इसका एस टू वन आया एस टू वन सर ओके एंड डिटरमिनेंट जीरो डिटरमिनेंट ऑफ जीरो आ रहा है डिटरमिनेंट वेरी गुड ओके सो देयरफॉर लैम्डा क्यूब माइनस एस वन मींस टू लैम्डा स्क्वायर प्लस एस टू मींस प्लस लैम्डा एस थ्री जीरो इक्वल टू जीरो अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो सीधा हो जाएगा ओके लैम्डा विल बी आउटसाइड सो लैम्डा स्क्वायर माइनस टू लैम्डा प्लस वन इक्वल टू जीरो और इसको अगर आप ये दिस इज द स्क्वायर ओके परफेक्ट स्क्वायर सो लैम्डा माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो सो विच आर अवर आइगन वैल्यूज सो जीरो वन वन यहाँ पे चाहे जितनी भी बार रिपीट हो रहा है लेकिन आपको यहाँ पे मेंशन करना है इफ यू forgot to write one third one then you lose your marks okay everybody understand yes sir yes sir yahan pe 3 degree ka polynomial hai to uske 3 roots dikhne chahiye to yahan pe hum likh denge which are required eigen values yes or no Yes or no, student? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now yes. for eigenvectors. Eigenvectors के लिए पहला statement क्या होगा? कौन बताएगा? A minus lambda into x equals to zero. Okay, तो यही से start करना है eigenvector के लिए. तो अब a minus lambda if you find that, then x y z is our x and 0 0 0 is our 0 matrix so a minus lambda I means kya hoga 1 minus lambda minus 6 minus 4 0 4 minus lambda 2 0 minus 6 minus 3 minus lambda okay so this is my determinant sorry matrix not a determinant matrix okay a minus lambda I now से दिस इज योर स्टार अब नेक्स्ट क्या करते थे हम कोई बताएगा मुझे लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो जीरो के लिए हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे ओके सो फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड लैम्डा इज इक्वल टू जीरो द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज
क्या हो जाएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वही का वही मैट्रिक्स मिलेगा ना हमको, क्योंकि जीरो ही चले. सो वन माइनस सिक्स माइनस फोर, जीरो फोर टू, जीरो माइनस सिक्स माइनस थ्री, एंड यहाँ पे जीरो जीरो जीरो. यस और नो? सो यहाँ पे हम करेंगे आर टू टेंस टू, क्या मिलेगा मुझे, आर थ्री को ही जीरो बनाना बाकी बचा ना, आर टू को तो जीरो बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो फोर बचेगा तो ऊपर भी हमको कोई दिक्कत नहीं है. सो आर थ्री टेंस टू आर थ्री प्लस सिक्स बाय फोर आर टू. यस और नो एवरीबडी? ओके. सो वन माइनस सिक्स माइनस फोर जीरो, क्योंकि वन के नीचे तो दोनों ही दोनों जीरो है, तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. तो वी गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप विल बी माइनस सिक्स विल बी जीरो. सो यहाँ पे माइनस सिक्स को जीरो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रो ऑपरेशन यूज किया. सो फोर जीरो फोर टू जीरो. अब नाउ ही आर जीरो. अब यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो रहा है एंट्रिंग. सो माइनस सिक्स प्लस सिक्स बाय फोर इंटू फोर, तो फोर फोर कैंसिल हो गए, दिस विल बी जीरो. अब यहाँ पे होगा माइनस थ्री प्लस सिक्स बाय फोर इंटू टू, तो यहाँ पे टू टू कैंसिल हो जाएगा, एंड फिर यहाँ से टू टू कैंसिल तो जीरो. सो माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, सो दिस विल बी ऑल्सो जीरो. ओके. सो नेक्स्ट, अब कुछ बाकी बचा नहीं, अब सीधा सॉल्यूशन है ना. ये सुन लो. इक्वेशन निकालेंगे पहले. सो वी हैव इक्वेशन कौन कौन से है हमारे पास, तो वी हैव, चलो बताओ फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा. x माइनस सिक्स वाई, x माइनस सिक्स वाई माइनस फोर रेड इक्वल टू जीरो, एंड सेकंड इज फोर वाई वाई प्लस रेड इक्वल टू जीरो प्लस टू जेड इज इक्वल टू जीरो. अब किसी एक को मुझे कंसिडर करना पड़ेगा. सो लेट जेड इज इक्वल टू के वन, के वन बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो. अब मैंने के जेड को के वन ले लिया है, तो व्हाट इज माय वाई. सो टू कॉमन निकाल के जीरो के साथ भेज सकते हैं, तो टू वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू माइनस के वन बाई टू. ये सो नो? Yes, sir. एंड फर्स्ट एक्सप्रेशन से हम, तो x माइनस सिक्स इंटू माइनस के वन बाई टू माइनस फोर के वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होके थ्री के वन हो जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस फोर के वन है, तो x माइनस के वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एंड इट गिव्स यू x इज इक्वल टू के वन. यस और नो एवरीबडी? मेरे पास एक्स वाई जेड तीनों मिल गए. सो द रिक्वायर्ड आइगन वैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लामड़ा इज इक्वल टू जीरो के लिए इज क्या हो जाएगा, देखो एक्स वाई जेड, यहाँ पे x मीन्स क्या आएगा k1, सो k1, y मीन्स माइनस k1 by 2, एंड z मीन्स k1, सो k1 विल बी आउटसाइड, सो k1 बाहर चला गया, एंड यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस 1 by 2 एंड 1. सो इज देयर एनी डाउट अप टू हियर एनीबडी? नो सर. नो सर. ओके, नाउ वी फॉलो द सेम प्रोसीजर फॉर द लैम्डा इज इक्वल टू वन. यहाँ पे दो बार है लेकिन प्रोसेस एक ही बार करना पड़ेगा आपको. सो देयर इज अ बेनिफिट फॉर यू, एंड एक साथ दो आइगन वेक्टर मिलेंगे. कैसे, यहाँ पे देखते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड लैम्डा इज इक्वल टू वन है ना, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज. ओके चलो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा कौन बताएगा वन के लिए. यहाँ पे आप देख सकते हो. सो वन माइनस वन जीरो, माइनस सिक्स माइनस फोर जीरो, फोर माइनस वन हो जाएगा थ्री टू. ओके है ना.
और यहाँ पे 0 माइनस 6 माइनस 4, तो मुझे यहाँ पे लिखवाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे कौन लिखवाएगा? 0 माइनस 6 माइनस 4, एक मिनट, 0 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 4 0 0 3 2 0 माइनस 6 एंड माइनस 4 0 6 माइनस 4 ओके, इज इट करेक्ट? यस सर। इज इट करेक्ट? यस सर। यस सर। माइनस 4, हाँ। अब मुझे 3 एंड माइनस 6 को 0 बनाना है, दैट मीन्स आर टू टेंस टू आर टू प्लस क्या हो जाएगा, ये 6 है यहाँ पे 3 है, तो मैं क्या करूँगा, 1 बाई 2 3 बाई 6 सीधा ये लिख देता हूँ ताकि सबको पता चले, ओके। क्योंकि 6 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 सॉरी 3 माइनस 3 हो जाएगा। नाउ इज इट ओके? R3 के लिए R3 माइनस R1 कर देंगे तो माइनस 6 प्लस 6 ओके 0 हो जाएगा। यस हाँ, चलो यहाँ पे उसको मैं आगे प्रोसीजर स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे 0 माइनस 6 माइनस 4 नो चेंज, ओके। 0 3 माइनस 3, चलो चेक भी कर लेते हैं साथ में कि हमने जो किया वो सही है कि नहीं। यहाँ पे R2 की एंट्री है 3, यहाँ पे 3 बाई 6, R1 की एंट्री मेरी है माइनस 6, तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 इट विल बी 0, ओके। अब 2 के लिए वेरीफाई करते हैं, सो 2 प्लस 3 बाई 6 इंटू माइनस 4, तो यहाँ पे पहले तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। यस और नो? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट R3 के लिए सोचो। चलो R3 के लिए क्या मिलेगा मुझे, R3 के लिए मुझे ये ऑपरेशन करना है, तो R3 माइनस R1, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6 प्लस 6 0, माइनस 4 प्लस 4 0 0, ओके। तो यहाँ पे एक नोट करने की बात ये है कि जब भी आपको जब भी आपको रिपीटेड आइगन वैल्यूज मिलेगी ना, तब दो रो एक साथ 0 हो जाएगी। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। और जब सिंगल एक ही वैल्यू होगा, एक ही आइगन वैल्यू होगा, तब आपको एक ही रो 0 मिलेगा। सो यू कैन ऑब्जर्व हियर, ओके, सो कीप इन योर माइंड। तो जब भी आपको रिपीटेड आइगन वैल्यूज वाला एग्जांपल आएगा, उसमें जिसका भी रिपीटेड है उसके लिए दोनों बिलो रो 0 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जैसे आप रो ऑपरेशन सही करेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पे सीधा हमारे पास सॉल्यूशन बाकी बचा, सो द सॉरी नॉट द वी हैव ओके वी हैव चलो कौन सा इक्वेशन है मेरे पास यहाँ पे, माइनस 6y माइनस 4z इक्वल टू 0। वेरी गुड, तो इसको मैं अच्छी तरीके से लिखूँ तो 3y इज इक्वल टू माइनस 2z, यस और नो? यस सर। माइनस 2/3z, ओके, सो y इज इक्वल टू माइनस 2/3z, ओके। अब यहाँ पे देखो, मेरे पास एक ही इक्वेशन है एंड 3 वेरिएबल है, सो हाउ वी कैन सॉल्व इट, किसी दो को मुझे कंसीडर करना ही पड़ेगा। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, अब यहाँ पे देखो, वाई इज डिपेंड ऑन जेड, सो फर्स्ट मैं जेड को ले लेता हूँ K2, क्योंकि K1 ऑलरेडी ऊपर लिया हुआ है, तो K2। अब जेड की हेल्प से मुझे वाई मिल जाएगा, लेकिन कौन बाकी बचा, एक्स बाकी बचेगा ना? यस सर। एक्स के लिए मुझे सपोज करना पड़ेगा K3 नया, एंड K2 K3 दोनों बिलोंग्स टू R-0। अंडरस्टैंड? यस सर। अगर आपने यहाँ पे एक्स के लिए गड़बड़ी कर दी यहाँ, तो फिर पूरा एग्जांपल रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्स नहीं मिल रहा है तो उसको 0 कर दो, नॉट ट्रू, keep in your mind, understand everybody? yes sir. तो जो नहीं मिलता है उसको पहले assume करो, उसके बाद जो मिल रहा है उसको assume करो तो भी चलेगा।
तो यहाँ पे x इज इक्वल, फॉर एग्जाम्पल कोई बोलेगा कि सर मैं x इज इक्वल टू के टू लू तो चलेगा? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, z को k3 बोल दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन कोई छूटना नहीं चाहिए। x, y, z तीनों की वैल्यू मिलना चाहिए, दैट इज अवर मेन एम। अंडरस्टैंड एवरीबडी? वाई इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री के टू हो जाएगा। सो द रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर्स, अब यहाँ पे दो एक साथ मिल रहा है इसलिए मैं वेक्टर्स लिखूंगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्ब्डा इज इक्वल टू वन आर, एक से ज्यादा मिल रहा है इसलिए। कैसे एक से ज्यादा मिल रहा है? यू कैन सी ऑल्सो हियर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू मेरे पास है के थ्री, वाई की वैल्यू है माइनस टू बाई थ्री के टू, एंड जेड की वैल्यू है के टू। यस और नो एवरीबडी? यस। अब यहाँ पे थोड़ा समझना जरूरी है, तो देखना है यहाँ पे मैं पहले दो ब्रैकेट करूँगा, बीच में प्लस, थोड़ी स्पेस एंड फिर ब्रैकेट। ओके, तो ये मैंने दो ब्रैकेट बना दी। अब मैं पहले में से के टू कॉमन निकालूंगा एंड सेकंड में से के थ्री, तो यहाँ पे देखना। ओके, अब के टू फर्स्ट में है, फर्स्ट एंट्री में है के टू? No, sir. तो उसकी जगह पे मैं जीरो रख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि के थ्री प्लस जीरो ही हुआ ना एक्चुअली। यस सर, है ना, ये हो जाएगा के टू वहाँ पे नहीं है इसलिए जीरो। यहाँ पे के टू है तो के टू ऑलरेडी बाहर चला गया है तो माइनस टू बाई थ्री बचेगा, एंड यहाँ पे के टू है तो वो भी बाहर चला गया है तो वन बाकी बचेगा। अब के थ्री के लिए मुझे लिखा हो तो के थ्री फर्स्ट में है तो यहाँ पे क्या आएगा? वन वन, है ना, और नीचे नहीं है, दैट मीन्स जीरो जीरो। यस और नो? यस। ओके, तो यहाँ पे देखो जो रिपीटेड था उसके लिए एक साथ हमको दो आइगन वेक्टर्स मिल गए। आर यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। तो जब भी रिपीटेड वाला केस हो तो आपका एग्जांपल बहुत ही शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि एक साथ ही दोनों मिल जाएंगे। तो कीप इन योर माइंड, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जांपल नंबर सेवन का फर्स्ट स्क्रीनशॉट एंड सेकंड स्क्रीनशॉट। सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन टुडे सेशन, एनीबडी? नो सर। नो सर। ओके, सो अगर क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। यस, ओके, देखो ये जो कॉमन है मीन्स रिपीटेड है उसके लिए थोड़ा ध्यान रख के करना है। अगर यहाँ पे आपने सिलेक्शन में गड़बड़ी कर दिया ना एक्स एंड जेड के बीच में, मीन्स एक्स एक्स एंड जेड को सपोज करो या फिर एक्स एंड वाई को सपोज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्स छूटना नहीं चाहिए, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अगर आपने एक्स को जीरो कर दिया तो ये वेक्टर ही नहीं दिखेगा। और कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके पास तीन आइगन वैल्यूज हैं तो तीन आइगन वेक्टर मिलेंगे ही मिलेंगे। आप चाहे कोई भी एग्जांपल ले लो, इसमें भी तीन मिले कि नहीं? यस और नो? यस सर। ओके, आप प्रीवियस एग्जांपल में भी देखो, आपके पास तीन आइगन वैल्यू थी तो तीनों ही तीनों के लिए आइगन वैक्टर वन 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 मिला, है ना, एक के वन के लिए मिला, एक के टू के लिए, के थ्री के लिए। यस और नो? सभी के लिए ऐसा होगा। ओके, यहाँ पर भी आपको देखेंगे तो के वन के टू आपको दो मिल रहे थे। तो जितने भी आइगन वैल्यू होंगे उतने आइगन वेक्टर मिलेंगे ही मिलेंगे, सो डोंट डू मिस्टेक। इज इट क्लियर एवरीबडी? सर। यस सर। एग्जांपल लास्ट सर, वो लास्ट स्टेप कैसे है वो बताएंगे एक बार। हाँ, ओके ओके, तो यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यूज है के टू एंड के थ्री, तो मैंने क्या किया के टू को पहले कॉमन करके एक मीन्स ब्लैंक मैट्रिक्स लिखा, प्लस के थ्री को यहाँ पे लिख के ब्लैंक मैट्रिक्स लिख दिया। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट एंट्री में के टू नहीं है इसलिए वहाँ पे मैंने क्या रखा? जीरो। सेकंड में के टू है, दैट मीन्स उसका कोफिशेंट क्या हो जाएगा? माइनस टू बाई थ्री है तो उसका कोफिशियंट कितना हो जाएगा? वन। एंड सेम वे यहाँ पे के थ्री के लिए अगर आप देखेंगे तो यहीं पे के थ्री है तो उसका वन होगा, बाकी दोनों जगह पे के थ्री है ही नहीं, सो जीरो जीरो लिख सकता हूँ कि नहीं मैं? ओके सर।
यस ओके। अब ये हमने कैसे किया वो आपको पता है लेकिन आप भूल गए। देखो मैं आपको याद करवा देता हूँ, ए प्लस बी था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे डी था, तो हम उसको कैसे लिखते थे? ऐसी एक प्रॉपर्टी थी ना मैट्रिक्स की, ए सी डी एंड बी सी डी, यस और नो? यस सर। वही हमने किया देखो आप, है ना, वही ये दोनों का एडिशन करेंगे तो वापिस ही मिलना चाहिए, दैट इज अवर मैथमेटिकली। ओके मैथमेटिकली ट्रू कब बोलते हैं? जब ये दोनों का आप एडिशन करेंगे तो वापिस ही मैट्रिक्स मिलना चाहिए, दैट इज द कंडीशन। ओके हाँ यहाँ पे यस, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने ही, यहाँ पे देखो सी प्लस यहाँ पे सी डेस आएगा डी प्लस टू, नहीं तो फिर वापिस नहीं मिलेगा इसलिए। ओके मैंने ही बोला और मैं ये भूल गया, यहाँ पे सी डेस हो जाएगा और यहाँ पे डी डेस हो जाएगा। नाउ इज इट ओके? देखो ये दोनों का एडिशन करेंगे तो ये वापिस मिल जाएगा आपको। ओके एवरीबडी अंडरस्टैंड? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay. So we stop here, and if you have any question, then you can discuss with me. Otherwise, we stop here.